हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ अमलान स्मिता। आज मैं ड्रमस्टिक यानी सहजन के अचार बनाने जा रही हूँ। इसको हम मुनगा भी कहते हैं। ये अचार मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये मेरे मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे मम्मी की स्टाइल की ड्रमस्टिक पिकल। अचार बनाने के लिए मैं यहाँ पे 500 ग्राम फ्रेश इमली ले रही हूँ। इसको मैंने ऐसे निकाल के अच्छे से धो के फिर रात भर भिगा के रख दूँगी। आपके पास जिस भी ब्रांड की इमली हो आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। अगले दिन यहाँ पे ले रही हूँ 2 किलो सहजन। इसको मैंने अच्छे से धो के इसका छिलका निकाल के फिर इसको काट लिया है। लो टू मीडियम हीट में एक कढ़ाई में 1.5 लीटर पानी लेके गरम होने के लिए रख देंगे। फिर 2 टीस्पून नमक डाल के और 1.5 टीस्पून हल्दी डाल के उबालने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए पानी हमारा गरम हो रहा है। अभी हम सारा सहजन को डाल लेते हैं। केयरफुली डालिएगा, पानी गर्म है वरना आपके ऊपर भी छींटे आ सकता है। सारा सहजन को डाल के हम 5 मिनट के लिए उबलने देंगे, फिर इसको छान के निकाल लेते हैं। 5 मिनट हो गया है, अभी हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। ड्रमस्टिक यानी सहजन एक सीजनल फूड है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी काफ़ी मात्रा में होता है, इसलिए ये एक इम्यूनिटी बूस्टर सुपर फूड है। सीजनल फूड को हमें डेफिनेटली खाना चाहिए। ये देखिए सहजन को हमने स्ट्रेन कर लिया है। अभी इसको एक दिन के लिए धूप में सुखा लेते हैं। मेरे यहाँ पे तो धूप अच्छे से आ रहा है। आपके वहाँ अगर धूप में सुखाने की सुविधा नहीं है तो आप फैन की हवा में भी सुखा सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि सहजन अच्छे से सूखना चाहिए। जब तक सहजन हमारा सूख रहा है हम इमली का पल्प को रेडी कर लेते हैं। ऐसे ही इमली को हाथों से मसल कर इसका बीज को जितना हो सके निकाल के स्ट्रेन कर लेते हैं। देखिए इमली का पल्प बिल्कुल तैयार है और यहाँ पे हमारा सहजन भी अच्छे से सूख गया है। अब चलिए अचार बनाने के लिए बाकी इंग्रेडिएंट को भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए 300 ग्राम गुड़ और लो हीट में एक कढ़ाई को गर्म करके हम अचार के बाकी के मसाले को रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 स्पून सौंफ, 2 स्पून जीरा और 1/2 स्पून मेथी। सबको अभी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ध्यान रखें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है वरना मसाला जो है वो कड़वा लगेगा। अभी 6 से 7 लाल मिर्च को भी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। निकाल लेते हैं इसको और सारे मसाले को थोड़े देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम उसी कढ़ाई में 2 स्पून ऑयल डालते हैं। किसी भी ऑयल आप ले सकते हैं। मैं यहाँ सरसों का तेल ली हूँ और इसमें हमारा सारा सूखी हुई सहजन को डाल लेते हैं। थोड़े टाइम के लिए इसको तेल में फ्राई कर लेते हैं। ऐसे करने से सहजन का थोड़ा सा जो कच्चा स्मेल रहता है वो निकल जाता है। देखिए सहजन हमारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इसको अभी हम निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। देखिए सहजन हमारा रेडी हो गया है।
अभी उसी कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सरसों, 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून सौंफ और थोड़ा सा हींग डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी उसमें हम डालेंगे ये इमली का पल्प और उसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए इसमें अभी एक उबाल आना शुरू हो गया है। इसी पॉइंट में हम अपना रखी हुई गुड़ को डाल लेते हैं। आप चाहें तो गुड़ को मेल्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन इसमें भी ये गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखिए गुड़ हमारा मिक्स होना शुरू हो गया है। इसमें अभी हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारा अचार का मिश्रण जो है वो कितना अच्छे से उबलना शुरू हो गया है। अभी इसमें 1 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के मिक्स कर लेंगे। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से हमें तीखा नहीं लगेगा, इसमें अचार का कलर अच्छा आ जाएगा। अभी इसको 20 मिनट के लिए बॉयल होने देते हैं। 20 मिनट हो गया है, देखिए अचार का मिश्रण जो है वो कितना गाढ़ा हो गया है। और 5 मिनट उबलने देते हैं। अब ये मिश्रण जो है पूरी तरह से रेडी हो गया है। इसको बंद कर देते हैं और अच्छे से ठंडा होने देते हैं। जब तक वो ठंडा होता है हम ये अचार के मसाले को ग्राइंड कर लेते हैं। मसाले को पूरा पाउडर नहीं बनाना है, बस ऐसे ही दरदरा बनाना है। देखिए हमें बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। देखिए अचार का मिश्रण पूरा ठंडा हो गया है और कितना गाढ़ा भी हो गया है। हमें बिल्कुल ऐसे ही कंसिस्टेंसी का चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे डाले 1 टीस्पून सादा नमक और 1/2 टीस्पून सेंधा नमक। सेंधा नमक डालने से अचार का टेस्ट अच्छा लगता है। अभी इसमें ग्राइंड की हुई मसाले को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, पर हमें अचार का मिश्रण जो है ऐसे ही कंसिस्टेंसी में चाहिए, क्योंकि सहजन डालने के बाद ये मिश्रण जो है थोड़ा सा पतला हो जाएगा। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी इसमें सहजन डाल लेते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ पे हमने अचार को अच्छे से मिला लिया है। इसको अभी हम 2 घंटे के लिए रेस्ट करने देते हैं। दो घंटे हो गए हैं, सहजन हमारा पानी छोड़ लिया है। अब देखिए अचार का कंसिस्टेंसी ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हम 4 से 5 घंटे के लिए धूप में रख देंगे, फिर हमारा अचार जो है वो बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।